लड़का से शादी भइल ह, रउआ खुश बानी ना? छोड़ देने के रखे पहले का चलत रहे पहले से? से चलन चलत रहे। 3 साल पहले जे यहाँ से भाग गए रहे 3 बजे के 4 बजे रात में हमारा वहीं टूटल था। जने तन हम खोजे चलती तले वहाँ से शादीशुदा युवती के साथ युवक घर में पकड़ाया, ग्रामीणों ने कराई शादी। परसा थाना क्षेत्र के मारर टोले चक सहबाज गांव में बुधवार की दोपहर एक घर में शादीशुदा युवती के साथ एक युवक पकड़ा गया। तदुपरांत घर वाले ने युवक को पकड़कर धुनाई कर दी और अंततः उस युवती से पकड़े गए युवक की शादी मुखिया पति राजेश राय, मुन्ना सिंह, रविंद्र राय, राजद जिला उपाध्यक्ष कर्मवीर भारती, डॉक्टर केदार सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, वार्ड फुलेंद्र कुमार व दर्जनों ग्रामीणों की उपस्थिति में करा दी गई। जहां शादी खरमाश माह में इस तरह की शादी होने की बात सुन लोग अचंभित दिखे। बताते चले कि परसा के मारर टोले सहचक सहबाज निवासी अमरेश कुमार सिंह की पत्नी पिंकी उर्फ पुनीता देवी का शादी से पूर्व प्रेम प्रसंग भेल्दी थाना क्षेत्र के अरना निवासी कृष्णा राम का पुत्र धर्मेंद्र कुमार राम से चल रहा, जो पिछले 3 साल पूर्व में भी उस युवक धर्मेंद्र के साथ ससुराल से भाग निकली थी, जिससे परिजनों ने पकड़ा और स्थानीय थाने में पंचायत के बाद उसे पुनः ससुराल में रहने की बातें कही गई थी। लेकिन प्रेम प्रसंग में मामला का खुलासा हुआ। युवती ही फोन पर उस युवक को अपने घर बुलाई थी और युवक घर में रंगरेलिया मनाते पकड़ा गया। शादी के बाद लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लड़का से शादी भइल ह, रउआ खुश बानी न? क्या नाम है आपका? नीता कुमारी। कितने दिन से इस सब संबंध चल रहा था? जी 4 साल से। छोड़ देने के रखे का चलत रहे पहले से? पहले से चलन चलत रहे। 3 साल पहले जे यहाँ से भाग गए रहे 3 बजे के 4 बजे रात में हमारा वहीं टूटल था। जने तन हम खोजे चलती तले वहाँ से अथी अलन कद बोलल चौकीदार तो कहतन जे एल पतो कहाँ बा। हम कहीं हमारे पतो तो मिलत नहीं थे, हमारे पता नहीं थे कहाँ गई बा। आ तो पतो थाना में बा, कहाँ नाम बा लड़किया के। हम कहीं जे अमरेश न बा। आ तो हम उनके परिवार थाना में, तो हम थाना में कैसे गए नहीं तो बुला के ले गए चली रहे लोग थाना में। तो हम के तीनों गए, बब एगो पतो बड़ी मुस्मात तो उनको बुला रहा। हम गए नहीं, हमारे मालिक गए लन मतारी आये रहे, चाचा आये रहे, दादा आये रहे। यानी पूर्व से ही चल रहा है सब प्रेम प्रसंग? ये कुंवारे से है तो हम लोग का पता नहीं है। वो हमारे ननद है तो उसे करा दिया। सासू बनी रहो इनका। हाँ। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। घर? अरना। आज आपकी शादी हुई है, इससे आप खुश हैं? करवा रहे हैं खरवास माह में इस तरह की घटना को लेकर, आप इस पर क्या कहेंगे? आप कितनों दिनों से इस सब की? 3 साल हो गया। एक बार बाहर भागा है। अच्छा, और भागा है। आपकी कौन है? छोटी पतो है। पतो थी। अभी क्या किए आप लोग? जिसको हम जिससे फंसा है ना, उससे हम शादी करा देंगे। हमारे यहाँ कहे के लिए भाई सब बेइज्जती करेगा। दोनों के आपसी रजामंदी थी? हाँ, रजामंदी। दोनों साइन करेंगे, दोनों से पूछ करके। जी साइन हुआ है, दोनों से पूछ करके। ये हमको 5 बजे शाम में खबर मिला कि हाँ इस तरह का घटना चक सहबाज में हुआ है। आज से 3 साल पहले भी ये लड़की इस लड़का के साथ बाहर निकल चुकी थी, भागी हुई थी, जो कि परसा थाना में पकड़ी गई थी। रात भर रहा लोग, उसके बाद बीच में दोनों तरफ से मान मनोबल कर करके इनको फिर समझा बुझा करके ऐसी किया गया कि बच्चा है, गलती कर दिया है, उसके बाद ये रख लिए। फिर आज ये लड़का यहाँ पहुँच गया, हमको खबर मिला, हम जैसे आए वहाँ से तो ये लोग और तरह तरह का लोग
प्लान किए हुए था, लेकिन सब लोगों को डांट समझा करके और इतनी किए, डॉक्टर साहब भी राजी थे कि नहीं अगर लड़की मेरी पतोहू राजी है तो शादी हो जाना चाहिए। हमने पहल कर करके और लड़का से भी पूछ करके, लड़का भी रजामंदी से अपना कागज पत्र बना दिया है कि हाँ हम शादी स्वेच्छा से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा शादी नहीं हुआ है। लड़की से पूछे तो लड़की भी बोली कि नहीं हम शादी करेंगे, तो दोनों को रजामंदी से और गांव के लोग थे और शादी करा दिया गया। इस खरवास माह में सब कुछ देखते हुए करा दिया गया। आपका परिचय मुखिया जी? मैं बलगांव पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि राजेश कुमार राय, इंजीनियर राजेश कुमार राय। धन्यवाद।